दोस्तों इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मैंने ये टाइटल पे लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा 29 अप्रैल को, जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं, जो लोग आपको डरा रहे हैं, उससे आप डर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप डरना बंद कीजिए और उस परमेश्वर पे, अपने आप पे, अपनी सुरक्षा पे स्वयं विश्वास कीजिए। क्योंकि यदि आप ही अपना दिल तोड़ लेंगे और डर जाएंगे तो संघर्ष कैसे जीतेंगे, लड़ाई कैसे जीतेंगे? संघर्ष आपको करना है, संघर्ष हमें करना है। इसलिए 29 अप्रैल को जो कुछ भी होने वाला है उससे लड़ने के लिए तैयार रहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, जितने भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं आप उस पर ध्यान ना देके कुछ ऐसा सोचिए अच्छा और सबको पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव आपको लोग कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि 29 अप्रैल को ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि भारत ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। यदि आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। आप 30 अप्रैल को भी वही पाएंगे जो 29 अप्रैल को आप रहेंगे। मित्र, अगर मेरी बातों से यदि सहमत हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर ऐसे ऐसे अपडेट, ऐसे ऐसे अफवाह फैलाए जा रहे हैं तो प्लीज़ उस पर ध्यान ना देखे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रखिए, सबको एक साथ देखिए, एक नज़रों से देखिए, यही कामना है परमेश्वर से और आपसे। तो मित्रों, बस आज की छोटी सी एक वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन था, मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।